दोस्तों फाइनली सोनी ने अपना नया सोनी A74 रिलीज़ कर दिया है। बहुत टाइम से सबको इस कैमरा का इंतज़ार था, तो आज बात करेंगे भैया क्या खास फीचर्स हैं इसमें, किस तरह का ये कैमरा है और क्या क्या हमें मिल रहा है इस कैमरा में, क्या ये कैमरा एक परफेक्ट कैमरा है फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के लिए, और ये कैमरा किस तरह से अलग है दूसरे ब्रांड से। तो इन सब बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को छोड़ के आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सोनी A74 के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी इसके मेगापिक्सल्स। 33 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है, और 33 मेगापिक्सल्स दोस्तों काफ़ी होते हैं किसी भी तरह की फैशन फोटोग्राफी के काम के लिए, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के लिए, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ के लिए, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए, या कैटलॉग ब्रोशर शूट्स के लिए। ये सारा काम जो है आप 33 मेगापिक्सल्स पे अच्छे खासे ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो करंटली मेरा कैमरा है निकॉन D800E वो 36.3 मेगापिक्सल्स का है, 3 मेगापिक्सल्स कम है, लेकिन 33 मेगापिक्सल्स जो है एक राइट मेगापिक्सल्स है किसी भी तरह के प्रोफेशनल काम के लिए। तो अगर आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर हैं और सोच रहे हैं कि अब आपको एक प्रोफेशनल कैमरा लेना है, तो ये कैमरा दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ मेगापिक्सल्स। अब एक जो मेजर चेंज किया है सोनी A74 में वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। 3.68 मिलियन डॉट का आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें सोनी के A7 III मॉडल से, तो वहां का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर थोड़ा छोटा था। हालांकि फोटोज बहुत अच्छे आते थे, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से देखते थे तो उतना मज़ा नहीं आता था, उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती थी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3.68 मिलियन डॉट। तो आई होप कि जब आप इससे देखेंगे व्यू फाइंडर से, तो आप अपने शॉट को क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे कि फाइनली आपकी पिक्चर्स कैसे निकल के आने वाली है। जब ये कैमरा मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी और सोनी ने काफ़ी अपने कस्टमर्स का फीडबैक सुन के उस चीज़ को इम्प्रूव किया है, वो है उसके ऑटो फोकस पॉइंट्स। तो यहाँ आपको दोस्तों मिल रहे हैं 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स, फेस डिटेक्शन। और आपको मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, मेरे पास सोनी A7S III कैमरा है जिसपे वीडियो शूट हो रहा है, उसमें भी शायद इतने ही ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं। अब जो पहले के कैमरास थे वहाँ पर थोड़ा इशू था ऑटो फोकस पॉइंट्स का, बिकॉज वहाँ क्या होता था कि आपका जो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं या खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कई बार जो है फोकस बराबर से आईज़ को ट्रैक नहीं करता था, फोकस उतना सटल नहीं था, पीछे थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्ट्रास्ट होता था तो वहाँ जंप कर जाता था, और फोकस की जो रिलायबिलिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट यहाँ पर आपको 759 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपका जो फोकसिंग है उसके सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, वेदर इट इज़ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ मिररलेस कैमरा। तो वहां पे मैंने एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताया था मिररलेस कैमरा का, कि जब भी आप लेंसेज को स्वाइप करते हैं यानी कि निकालते हैं और लगाते हैं, तो आपका जो मिररलेस का कैमरा का जो सेंसर होता है वो कम्प्लीटली नेकेड होता है, जिस वजह से अंदर जो है डस्ट जाने के चांसेस होते हैं और उसकी जो लाइफ है वो कम होती है। तो सोनी के पास ये कंप्लेंट काफ़ी टाइम से आ रही थी, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इस बात के बारे में बात की भी की थी। तो इस आई थिंक सोनी के सिर्फ इसी कैमरा में, सोनी A74 में उन्होंने जो है इस चीज़ को काउंटर किया है। और जब भी आप अगर आप लेंस बदलेंगे या निकालेंगे या डालेंगे, तो यहाँ पर जो है शटर जो है वो इट कम्स डाउन एंड इट विल प्रोटेक्ट योर सेंसर। तो ये फीचर दोस्तों बहुत ही कमाल का दिया है, और ये हर मिररलेस कैमरा में होना भी चाहिए, ताकि आपका जो सेंसर है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़े, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर ना आए, और आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सुपर शार्प क्रिस्टल क्लियर नज़र आए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अर्गोनॉमिक्स की, यानी कि इसकी बनावट और डिज़ाइन की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ग्रिप की। तो सोनी A7 III अगर आप देखेंगे तो उसकी ग्रिप जो है थोड़ी सी स्मॉल थी, पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था उसे। यहाँ पर जो है ग्रिप को बहुत ही अच्छे से बनाया गया, जैसे कि आप देखेंगे सोनी A7S III में जो ग्रिप है लगभग उसी तरह की, और शायद मेरे ख्याल से उससे थोड़ी बेटर है या उसके बराबर है। तो जब आएगा तभी मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बता पाऊँगा, बट इसकी ग्रिप जो है वो मच 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 बेटर है सोनी A7 III के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मुझे अच्छी लगी इसके अर्गोनॉमिक्स के अंदर, वो है इसके अंदर आपको मिलता है फ्लिप आउट स्क्रीन, जो कि सोनी A7 III में मिसिंग था। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, खुद को रिकॉर्ड करते हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, तो फ्लिप आउट स्क्रीन के अंदर आप जो है अच्छे से देख पाएंगे कि आपके पोर्ट्रेट्स जो है वो किस तरह से निकल के आ रहे हैं। उसके बाद करें इसकी एक और बनावट की दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन जो डायल है वो जो है यहाँ पर उसके नंबर्स को उड़ा दिया गया, जो नंबर होते हैं 0, +1, +2 या -1, -2, -3 व्हाटएवर, तो उसको थोड़ा सा नंबर्स को वहाँ से थोड़ा सा रेस किया गया है और खाली वो डायल वहाँ पर दिया है। तो आई थिंक उसको आप मैनुअली अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ये भी एक फीचर काफ़ी अच्छा है।
और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन दिया है, तो बस आपको बटन को दबाना है और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों मिसिंग थी सोनी A7 III के अंदर। सोनी A7 IV में एक और मेजर चेंज है, वो है टच स्क्रीन, जो सोनी A7 III में नहीं था दोस्तों। वहाँ सिर्फ आप फोकस करते वक्त ही टच कर पाते थे, करके फोकस करते थे, यानी कि टच किया और फोकस हो गया। लेकिन यहाँ पर आप कंप्लीट मेन्यू जो है वो अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे अपनी फिंगर्स के थ्रू पूरा मेन्यू जो है वो अच्छे से। आपको सेटिंग्स चेंज करनी है, यू हैव टू जस्ट यूज़ योर फिंगर और आप पूरा मेन्यू नेविगेट कर पाएंगे। उसके अलावा फोटोज़ को आपको जूम इन जूम आउट करना है, वो सब आप देख पाएंगे। और वहाँ पर अगर आपको कुछ सेटिंग्स भी चेंज करनी है तो आप अपने फिंगर से सेटिंग्स चेंज कर पाएंगे, जैसे कई कैनन कैमराज में है। आई डोंट नो पहले सोनी ने ये सब क्यों नहीं किया, लेकिन सोनी ने जो है लोगों के फीडबैक को सुना और ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि अब आप जो है अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो आजकल टच स्क्रीन जो है वो बहुत मामूली चीज़ है, बट सोनी A7 III में नहीं थी। इसमें उन्होंने इस चीज़ को जो है शिकायत को दूर किया है। अब बात करते हैं इसकी कुछ वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो दोस्तों यहाँ भी काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए हैं सोनी A7 IV में। यहाँ आप शूट कर पाएंगे 4K 60p 4:2:10 bit के अंदर, जो कि बहुत ही एक मेजर अपग्रेड है। अगर आप कंपेयर करें सोनी A7 III में तो वहाँ पर ये 4K 60 वाला चक्कर ही नहीं था, ना आप 10 bit पे शूट कर पाते थे, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इस कैमरा में मिल रही हैं, जो इस कैमरा को एक कम्प्लीटली वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट कैमरा भी बनाती है। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, आप वीडियोग्राफी भी करते हैं, तो ये एक परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा है जिसपे आप ये दोनों काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक डाउन साइड भी है, अगर आप 4K 60 पे आप शूट करेंगे तो भैया यहाँ पर जो है आप सिर्फ सुपर 35 क्रोप में ही शूट कर पाएंगे, यानी कि फुल फ्रेम पे आप 4K 60p शूट नहीं कर पाएंगे। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कि यार आप कैमरा खरीद रहे फुल फ्रेम तो आप 4K 60p उस पर क्यों नहीं शूट कर सकते। आई डोंट नो ऐसा सोनी ने क्यों किया है, लेकिन आप 4K 30p तक फुल फ्रेम पर आसानी से शूट कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नो रिकॉर्डिंग लिमिट भी है, यानी कि आप जितना आपकी बैटरी है या जितना आपका कार्ड का कैपेसिटी है आप बिना रुके जो है इसके ऊपर अच्छा खासा लंबा शूट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है। उसके अलावा बात करें दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर आप 10 frames per second शूट कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी खासी ठीक ठाक स्पीड है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। और अगर इसका ISO रेंज देखें तो आपको ISO मिल रहा है 100 से लेकर 51,200 तक, जो कि रीजनेबली गुड है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक लो लाइट के अंदर ये कैमरा आई होप अच्छा परफॉर्म करेगा। सोनी A7 III भी अच्छा ही परफॉर्म करता था। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं एक्चुअल में ये रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करते हैं वो तो जब ये कैमरा हाथ में आएगा तभी बता पाएंगे, बट एट अ ग्लांस जो इसके फीचर्स हैं, जो इसमें इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है, जो इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं कंपैरेटिवली सोनी A7 III में, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी दोस्तों कि अगर आपको एक कैमरा चाहिए जिसमें आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं तो ये वो एक कैमरा है दोस्तों, सोनी A7 IV। तो आपको एक ही कैमरा में इन्वेस्ट करना है एंड यू कैन डू बोथ, यानी कि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। आपको ये कैमरा कैसा लगा, आपको फीचर्स कैसे लगे, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा।